हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूँ आपके साथ मोनिका क्रोपर। दर्शकों, कैसे आप अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं, लगातार हमारा ये कार्यक्रम आपको बताता है कि कैसे आप जीवन में लाभ की प्राप्ति करें। आज भी हमारा कुछ यही प्रयास रहेगा, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कन्या राशि के जातकों के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि जुलाई माह के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या उपाय अपनाने चाहिए ताकि जुलाई का महीना उनका खुशनुमा व्यतीत हो। जी आइए दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि की। कुल राशियां 12 होती हैं और कन्या राशि का स्थान छठवें स्थान पर आता है, सिक्स्थ स्थान पर आता है, आधे में जा चली जाती है ये कन्या राशि। आकाश मार्ग को छठवें नंबर पर नाप देती है ये राशि। बहुत सौम्य सुरीली मीठी राशि होती है। द्विलिंगी यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के गुण इस राशि में पाए जाते हैं, ठंडा भी गर्म भी। यानी कि जहाँ हृदय में कटुता भी है वहीं हृदय में मृदुलता भी है, दोनों चीज़ें इस राशि की तासीर होती हैं, कटुपन भी और मीठापन भी, है ना। दोनों चीज़ें इस राशि की तासीर हैं। कहने का भाव, ये राशि अपने आप में बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। जैसे एक पिता बच्चे की गलतियों पर कटु भी होता है और बच्चे की अच्छी चीज़ों पर प्यार भी उधेड़ देता है, प्यार भी उसको देता है, दोनों चीज़ें जैसे पिता करता है। गुरु डांटता भी है और गुरु पुचकारता भी है, प्यार भी करता है, उसी प्रकार से इस राशि के गुण होते हैं। कन्या छठे स्थान की राशि है, बुध आपके स्वामी हैं, रंग आपकी राशि का हरा है। अब हर महीने के हिसाब से हमने जो श्रृंखला चलाई है आपकी राशि क्या कहती है ये तो भगवान बेहतर जानता है, आपके साथ कल क्या होगा, लेकिन कल क्या बुरा ना हो उसको हम दूर कर दें, उसकी रोकथाम के कुछ पहले से ही उपाय कर लें, या जो जीवन में अनिष्ट घटनाएं घट रही हैं, पग पग पे हमें कटुता का भास होता है, उसको हम कैसे दूर करें, इसके लिए हम कुछ उपाय आपके लिए लाए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। इन उपायों को नोट डाउन करें, टेलीविज़न पर भी हमें सुनें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और लोगों को भी प्रेरित करें, हमारा कार्यक्रम दिखाएं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जो उपाय आप तक पहुँचते हैं। अच्छी चीज़ अगर आपको सुनाई दे रही है उससे आपका लाभ होता है तो किसी और का भी लाभ हो सकता है। एक राशि से लेकर के 12 राशि तक के सभी के हमने उपाय यहाँ बताएंगे, आप सुनते जाना, अलग अलग राशियों के उपाय चलेंगे, लेकिन आज हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं। कन्या राशि के जैसे स्वामी बुद्ध हो गए, रंग हरा हो गया, देव गणपति हो गए, तो कन्या राशि के जातकों को सबसे पहले तो अगर संभव हो जुलाई महीने में किसी भी अनाथ आश्रम में हरी सब्जियां आप जरूर दीजिए, चाहे लास्ट बुधवार दीजिए, जुलाई माह के अंतिम बुधवार आप दे दीजिएगा। ऑर्फन प्लेस हो, चैरिटेबल कोई ऐसी ट्रस्ट हो, या जहां भोजन पकाया जाता हो, लंगर लगता हो, आप दे सकते हैं। हरे रंग की दाल जरूर दीजिए, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितनी आपकी हिम्मत है, हमें देना आना चाहिए, जीवन हमें बहुत कुछ देगा, है ना। ये तो साइंटिफिक रीज़न भी है, क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को हरे रंग का गर्म वस्त्र दे के देखिए बुधवार के दिन, और देना है बुधवार के दिन, जुलाई माह के किसी भी सप्ताह में आप दे सकते हैं। एक बार के देने से ही कल्याण हो जाएगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन हरी मिठाई छोटे छोटे बच्चों में आप बांटिए। बुधवार के दिन बच्चों को ट्वाइस दिलाइए। ऐसे बहुत महरूम बच्चे हैं जिनको कई बार 1 रुपया नसीब नहीं होता। ऑर्फन प्लेस हैं, अनाथ आश्रम हैं,
जाएं बच्चों को कापी किताबें या उनके टॉयज ख़ास तौर से आप उन्हें दिलाइए, वो बच्चे भी हंस सकें, वो बच्चे भी खेल सकें। उन बच्चों के माता पिता नहीं हैं तो उन बच्चों को भी लगे कि हमें हमारे मतलब की चीज़ें मिलती हैं। बच्चे की दुनिया वास्तव में टॉयज होती है ना। देखते हैं ना, बाज़ार लगते हैं, बच्चों के मेले लगते हैं, बच्चों के लिए लगते हैं। बच्चों के संग हम सब जाते हैं, आप सब जाते हैं, बच्चे कैसी जिद पर लग जाते हैं, मम्मी ये दिलाओ वो दिलाओ। मम्मी यही समझ ले कि आज मुझे किसी बच्चे को कुछ ज़रूर दिलाना, मेरा भाग्य बदले ना बदले पर इस बच्चे को खुशी मिल जाए, इस बच्चे को खुशी नसीब हो जाए, ऐसी फीलिंग के साथ जुलाई महीने में आप हमसे वादा करो। जिनकी कन्या राशि है ऐसे बच्चों को आप ज़रूर कुछ दिलाएं। देखते नहीं बच्चे सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, पुरानी चीज़ें उठाते हैं, कूड़ा करकट उठा करके शाम को कितने का बेचते होंगे वो लोग, पूरा दिन भर वो एक गंदगी को फांकते हैं। कुछ ना कुछ उन्हें दिलाइए, हेल्प कीजिए ताकि उनके अंदर एक बल बढ़े, उनकी आत्मा को एक बल मिले, उन्हें हेल्प करने वाले दो हाथ मिले, ज़रूर सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वाले जातक गौ माता की सेवा जरूर करें, चाहे एक बुधवार करें, आपकी इच्छा है रोज़ करिए, बहुत अच्छी बात। बुध का बीजात्मक मंत्र ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें बुधवार के दिन कन्या राशि वाले जातक। चाहे आप दो मिनट पढ़ें लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। गणेश यंत्र, गणपति यंत्र भी अपने घर में रखना चाहिए और गणपति यंत्र की साधना चाहे जिंदगी भर करते रहिए। जिनकी कन्या राशि है आप एक बार गणेश यंत्र घर में स्थापित करें और उनकी साधना करेंगे, आपको अलग चमत्कार आएगा, अलग लाभ आएगा। उम्मीद करता हूँ कन्या राशि वाले जातकों को आज के उपाय हमारे अच्छे लगे होंगे। जी, कन्या राशि के जातक गणेश यंत्र की तो साधना करें ही, और वैसे भी दर्शकों यंत्र साधना तो बेहद फलदायी मानी गई है क्योंकि यंत्र साक्षात देवी देवता का स्वरूप माने जाते हैं। आप श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, गणेश यंत्र, सूर्य यंत्र आदि की साधना किया करें, बेहद लाभ आपको होगा। समय इशारा कर है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका, नमस्कार। तो जुलाई माह के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या उपाय अपनाने हैं आपने अभी अभी जाना, इन उपायों को अपनाएगा जरूर आपको लाभ होगा। बाकी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अगर आप शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी ना किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी, और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।